आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो 90% ऑफ पीपल दे डोंट डू, चूज वाइजली वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। हम लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है पूरे दिन में स्पेंड करने के लिए, लेकिन हम सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी है और हम फालतू की चीज़ों में उसको वेस्ट करते हैं। एनर्जी को आप मनी से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप मनी को स्पेंड करते हैं सोच समझ के कहाँ आपको फ़ायदा है उसको स्पेंड करने में और आपको उससे क्या मिलने वाला है। ऐसे ही हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है, तो आपको कहाँ पे अपनी एनर्जी एलोकेट करनी है फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर पीस ऑफ माइंड, गुड हेल्थ एंड कामनेस, सो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। आपने देखा होगा कुछ लोग सब कुछ उनका ठीक है, खाना भी ठीक खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सो भी ठीक रहे हैं, बट वो आधे दिन के बाद पूरा ड्रेन आउट हो जाते हैं एंड दे डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट, दे फील टोटली एग्जॉस्टेड। तो रीज़न बिहाइंड इज दैट दे आर नॉट एलोकेटिंग देयर एनर्जी वाइजली। कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी एनर्जीज को कुछ नेगेटिव चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आप नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप कुछ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके साथ कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा वापस। तो हमें बहुत सोच समझ के बहुत वाइजली एलोकेट करनी है अपनी एनर्जीज। आपकी एनर्जीज कहाँ से आती हैं? सराउंडिंग से और लोगों से आती हैं। तो आपको ये सोचना है कि किन लोगों से आपको एकदम से बूस्टअप मिलता है और कौन लोग आपको बिल्कुल एनर्जी सक कर लेते हैं, सक डाउन कर लेते हैं, एग्जॉस्ट फील करते हैं आप उन लोगों से। सो पीपल विच ऑल पीपल यू आर मीटिंग एंड वॉट, कुछ सराउंडिंग्स भी ऐसे होते हैं जो कि एकदम से आपको एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो वो आपको कुछ सोच समझ के प्लान करना होता है फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर पीस ऑफ माइंड, कामनेस, गुड हेल्थ एंड फील गुड फैक्टर के लिए। स्पेंड सम टाइम टू फिगर आउट हु यू आर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ सो दैट यू कैन डायरेक्ट योर एनर्जी डायरेक्टली टूवर्ड्स दैट पर्पस, सो दैट यू कैन ग्रो फ्लावर्स नॉट वीड्स। Now there is a law of thermodynamics which tells us that energy is neither created nor destroyed. I'll explain you this with an example. Suppose आपने 10% अपनी energy spare करी किसी एक्स वाई जेड के लिए और आपको पता है कि आप वो आपके टाइम का वर्दी है, वो आपका 10% उसको देना, क्योंकि वो कोई भी आपकी जो चीज़ आपसे 10% आपकी एनर्जी आपने उसको दी तो वो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए ही उसको उसमें करेगा। और अगर आपको पता है कि आप उसको किसी एक्स वाई जेड को अपना 10% टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और आपको पता है वो बेकारी करने वाला है, तो इससे बेटर है जो आपको लगता है कि जिससे किसी को का फ़ायदा हो और जो उसको अच्छे से यूटिलाइज करे आपका इंटरेक्शन वो 10% एनर्जी देने का, तो बेटर यू शुड गिव इट टू दैट पर्सन। सो बिकॉज सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं वो लोग हैं और आपकी सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत वाइजली डिसाइड करनी है फॉर योर बेटर हेल्थ, बेटर पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। एज आई ऑलरेडी सेड दैट पीपल एंड थिंग्स आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। कुछ लोगों के साथ मिलके आपको हमेशा एकदम से अपलिफ्ट आपकी एनर्जी कर देते हैं वो लोग, और कुछ लोगों से मिलके आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल, अपलिफ्टिंग पीपल, न्यूट्रल पीपल एंड नॉट सो अपलिफ्टिंग पीपल। अपलिफ्टिंग पीपल कौन होते हैं? जिनसे 5 मिनट पे भी आपको मिलके आप कुछ इंस्पायर होते हैं और उनसे कुछ अच्छा एनर्जी आपके अंदर खुद अच्छी एनर्जी आ जाती है और अपलिफ्ट होके जाते हैं। न्यूट्रल लोग कौन होते हैं? न्यूट्रल लोग की आप मिले उनसे ठीक ठाक है, जैसे थे आप वैसे ही चले गए। नॉट सो अपलिफ्टिंग पीपल, आप मिले और आपको लगा ओ गॉड यू गॉट टोटली एग्जॉस्टेड, यू हैव टोटली ड्रेन आउट योर एनर्जी, एंड सच पीपल आर कॉल्ड एनर्जी वैम्पायर्स। और ये भी दो तरह के लोग होते हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब दो तरह के एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, एक ट्रांजिटेंट एनर्जी वैम्पायर्स और एक इनहेरिटेंट एनर्जी वैम्पायर्स। ट्रांजिटेंट एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं? जैसे सपोज आपका किसी फ्रेंड ने फैमिली मेम्बर लूज कर लिया, वो अब सैड है, कोप अप कर रहा है अपने सौरों को, तो आप वहाँ पे जाएंगे अपना 10 मिनट्स या 10% एनर्जी उसको देंगे, बिकॉज यू आर डिस्प्लेइंग कंपैशन, एम्पैथी एंड लव बिकॉज ही और शी इज़ योर फ्रेंड, दैट इज़ ऑल राइट। तो आपको बहुत ड्रेन आउट नहीं हो क्या के, बट आपने उसको साथ दिया, दैट इज़ ऑल राइट। एक लोग होते हैं इनहेरेंट एनर्जी वैम्पायर्स, जो कि बॉर्न नहीं होते हैं वैसे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। आप उनसे मिलके हमेशा आपको ये लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई एंड यू डोंट फील गुड। सो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ही आप दूरी बना के रखें, और ऐसे कैसे रखेंगे? अफेक्शनली डिटैच हो जाइए उनसे, प्यार से डिटैच हो जाइए, दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। इन द एंड आई विल लाइक टू टेल यू ऑल कि एक
एनर्जी एक हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरे दिन के लिए मिलती है और हमें वो अपने बेस्ट फोकस करना चाहिए बेस्ट पर्पस और गोल के लिए ताकि हम मोर प्रोडक्टिव सक्सेसफुल हैप्पी हेल्दी रह सकें अपना कामनेस और पीसफुल माइंड से हम अपनी ज़िंदगी बिता सकें और वो उसके लिए आप अपना एलोकेट करिए कि आपको अपनी एनर्जी किन लोगों के साथ और किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करनी है फॉर बेटर पीस ऑफ माइंड और हमेशा अपलिफ्टिंग लोगों से साथ बनाइए जो कि आपको अपलिफ्ट करते हैं आपकी एनर्जी आपके स्पिरिट और एनर्जी वैम्पायर टाइप्स ऑफ लोगों के साथ के से आप अपनी दूरी बनाइए फॉर बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड बेटर पीस ऑफ माइंड के लिए।